दुर्गा पूजा में ममता बनर्जी का दिखेगा नया अवतार। क्या छवि सुधारने के लिए देवी की शरण में जाएंगी दीदी? पिछले साल यानी 2017 में दुर्गा पूजा के बाद होने वाले मूर्ति विसर्जन को लेकर जारी किए गए आदेशों की वजह से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की खूब फजीहत हुई थी। बीजेपी ने इसे खूब बनाया और उनकी छवि हिंदू विरोधी बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में हिंदू वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए दीदी ने देवी की शरण में जाने का फैसला किया है। जी हाँ, आगामी लोकसभा चुनाव के करीब आने के साथ ही ममता बनर्जी डैमेज कंट्रोल में जुट गई हैं। इसी के मद्देनजर इस बार आयोजित होने वाली दुर्गा पूजा में राज्य के पंडालों में सीएम ममता बनर्जी की एक खास कविता लकड़ी के पैनल पर लिखी हुई नजर आएगी। संथाली समुदाय के योगदान पर लिखी गई ममता की ये कविता भवानीपुर के पंडाल में लकड़ी के पैनल पर उकेरी जाएगी। यही नहीं, सीएम का लिखा एक अन्य गीत न्यू अलीपुर पूजा में बजाया जाएगा। इसके अलावा आदिवासी पुरुषों और महिलाओं के कामकाज की आदमकद तस्वीरें भी पंडाल के रास्ते में लगाई जाएंगी। इससे पहले हाल ही में बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने दुर्गा पूजा आयोजित करने वाले पंडालों को 28 करोड़ रुपए बतौर भेंट देने का ऐलान किया था। इसके साथ ही उन्होंने पूजा पंडालों को सरकार की ओर से तमाम सुविधाएं देने की घोषणा भी की थी। इस पर आने वाला खर्च राज्य सरकार के अलग अलग विभाग उठाएंगे। इनमें पर्यटन और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय शामिल है। बंगाल में करीब 28,000 पूजा पंडाल होते हैं, जिनमें से अकेले कोलकाता में ही 3,000 पूजा पंडाल हैं। इतना ही नहीं, ममता ने यह ऐलान भी किया कि सामुदायिक पूजा पंडालों को लाइसेंस के लिए फायर डिपार्टमेंट को कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके अलावा पूजा पंडालों को कोलकाता विद्युत आपूर्ति निगम की ओर से 23% की रियायत दर पर बिजली देने का ऐलान किया गया। हालांकि ममता ने अपने इन ऐलान के जरिए अपनी छवि सुधारने में कामयाब होती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।